मैं चाहती हूँ कि मैं इसको इसी कमरे में नजर बंद करवाऊं और खबरदार जो इसकी तरफ किसी ने देखा होगा मैं। माँ, अम्मा, माँ, जो आप चाहेंगी, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। अम्मा, वैसे जाफर की निस्बत से उस लड़की पर मेरा भी कुछ हक है। आपकी इजाजत हो तो चंद बातें कर लूं उससे। शहीर की निस्बत से भी उस लड़की से बदला लेना तुम्हारा हक है। परवीन भाई कहाँ रह गए, रोटियां ले आओ। बस और नहीं। जिंदगी इतनी कम कीमत नहीं है कि उसे यूं हार दिया जाए। हमारी जिंदगी पर हमारे अलावा और लोगों का भी हक होता है। मेरी जिंदगी पर जिसका हक था वो तो मुझे ठुकरा कर चली गई। अब मेरे लिए मेरी जिंदगी सिर्फ एक बोझ है जिससे मैं छुटकारा हासिल करना चाहता हूँ। आपके दिल में हया के लिए बहुत बड़ी बदगुमानी पैदा हो गई है। आप उसे बेवफा समझ रहे हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे छोड़कर किसी और की हो गई और तुम अब भी कह रही हो क्या वो बेवफा नहीं है? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। उसने जो कुछ भी किया है आपकी बेहतरी के लिए किया है। मेरी बेहतरी? आपकी बेहतरी। जिंदगी में हमें ना चाहते हुए भी बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं जिनको हम चाहते हैं उन्हें खोकर भी जिंदगी जीनी पड़ती है। मुझे देखना, मेरी जिंदगी से तो सब चाहने वाले चले गए, मैं फिर भी जी रही हूं ना। आप ऐसा क्यों नहीं समझ लेते हैं कि हया भले आपको ना मिले लेकिन वो जिंदा तो है, और क्या ये वजह काफी नहीं है जीने के लिए? उसके बगैर मेरी जिंदगी बेकार है। तुम देखना उस तरफ मैं क्या करता हूं। देखना क्या है, आप बता दें कि क्या करने वाले हैं। मैं उसे वापस हासिल करूंगा और तुम देखना वो मेरे पास वापस आएगी। ऐसी कौन सी बात कह दी है मैंने? तुम इतनी परेशान हो गई हो, कोई नामुमकिन बात तो नहीं कही? मैं ये सोचकर परेशान हूं कि आपको इतना यकीन कैसे है कि वो आपकी जिंदगी में वापस आ जाएगी। एक शादीशुदा लड़की का आबाद घर बात करने पर आप इतने बुरे एतमाद कैसे हो सकते हैं? आबाद घर? तुम कैसी बातें कर रही हो सीता? वो वहां आबाद कैसे हो सकती है? उससे वो निकाह जबरदस्ती हुआ है, ना ही वो वहां आबाद हो सकती है और ना ही खुश। जो भी है, अब वो किसी और की बीवी है और आपको इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सयान, इससे आपकी जिंदगी भी आसान हो जाएगी और उसकी भी। जिंदगी आसान हो जाएगी? उसकी जिंदगी सिर्फ मेरी वजह से जहन्नुम बनी है। सब सिचुएशन की वजह सिर्फ मैं हूं।
अगर उस दिन मैं अपने जज्बात पर अपने गुस्से पर काबू पा लेता तो उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो ना होता। देख लो इस दिन मैं उसे इस दतल से बाहर निकाल लूंगा, तक मैं सुकून से नहीं बैठूंगा और उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना हो। सुनो जरा इस लड़के की बातें, अभी मौत का मजा चक्कर आ रहा है फिर भी दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ इसका। खाला आप क्यों आ गए यहाँ, आप चलकर आराम करें, मैं यहाँ हूं तो से। अरे बेटा जिस माँ की औलाद इस तरह बिस्तर पे पड़ी हुई हो हॉस्पिटल के, उसको कहाँ सुकून आएगा, कहाँ आराम। परेशान मत हो खाला, सयाना बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से, डॉक्टर ने कहा है कि आज वो इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। आप चले चले आए। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सारे बर्तन उठाओ, सारे टेबल को साफ करो और सारे बर्तन धोने के बाद खाने का सोचना। और खबरदार जो तुमने अगर वहां से साफ खाना निकाला, ये जो प्लेटों में बचा हुआ खाना है ना, इन्हें अपने बर्तनों में डालना फिर उसके बाद खाना। अच्छा खासा सब लोग यहाँ बैठे हुए खाना खा रहे थे, साहब तो तुम्हारी शक्ल देख कर ही नाराज होकर चले गए। और बेगम साहिबा जब तक तुम दूसरी रोटी लेकर आई उनकी भूख ही खराब हो गई। असूलन तो इसे भूखा ही रहना चाहिए आज, मालिक भूखे हैं तो फिर ये क्यों खाना खाए। एक काम करो इसी प्लेट में से खाना ले लें, और हाँ अपने बर्तनों में शिफ्ट कर देना, और खबरदार जो तुमने गर्म करने की कोशिश। वैसे अब हुआ क्या था, मेरे तो सर में दर्द थी इसलिए मैं नीचे नहीं आई। अरे होना क्या था, अच्छा खासा सारे घर वाले खुशी खुशी खाना खाने के लिए बैठे यहाँ पर आके, आ गई है इनकी शक्ल देख के तो साहब का भी मूड खराब हो गया, बेगम साहिबा का भी मूड खराब हो गया। अरे जब से हमारे घर में आएगी ना हमारी खुशियों को तो नजर ही लग गई जैसे किसी की, पता नहीं मनहूस कहाँ से आ गई हमारी जिंदगी को अजाब करने के लिए। अल्लाह बचाए भाई हमारे घर की खुशियां लौटा दे दोबारा। और भी बर्तन धोने हैं और उसके बाद पता है ना क्या करना है। क्या करना है? कि तुम्हारा हादसा कमजोर है या तुम एक्टिंग करती हो? मुझे एक्टिंग नहीं आती, तुम बता दो क्या काम करना है। बेगम साहिबा रात को पांव दबाए बगैर नहीं सोती। ये मैं नहीं करूंगी। बड़े भरम है तुम्हारे, नखरे तो तुम ऐसे कर रही हो जैसे किसी बहुत बड़े बाप की बेटी हो। मैं एक बड़े बाप की बेटी नहीं हूँ, मगर एक खानदानी घर से जरूर। अच्छा तो तुम अब बेगम साहिबा का मुकाबला करोगी? ये सारी बातें मैं भी जाके बेगम साहिबा को बताती हूँ, तुम उन्हें जानती नहीं हो, तुम्हारा वो हशर करेंगी कि याद करोगी। मैं अच्छी तरह से जान चुकी हूँ बेगम साहिबा को, और ये भी जानती हूँ कि वो मेरा क्या क्या हशर करेंगी। ठीक है अब वो तुम्हारे लिए खाना नहीं तैयार करेगी। क्यों, वो खाना क्यों नहीं बनाएगी, और क्या फारिग बैठकर आराम फरमाने आई है? घर में और भी बहुत से काम है जरूरी है कि वो मेरे लिए खाना बनाए। अच्छा अच्छा मैं परवीन से कह देती हूँ तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की कॉफी बनाए,
और कुछ कबाब तल ले और कुछ लवाजमात। खाना खा के सोना, समझे? नहीं अम्मा, मैं बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है। प्लीज कुछ मत भिजवाइएगा मेरे लिए। परवीन, यहाँ आओ। उसके हाथ का खाना नहीं पसंद या उसका किचन में जाकर पकाना? क्या मतलब है आपका? आप जानती हैं ना, उसके वजूद से नफरत है मुझे। जब वो मेरे सामने आती है तो शहीद के खून की बू आने लगती है मुझे। भाई के खून करने वाले से अजीब नफरत है तुम्हारी। बदले में उसका खून बहाने की बजाय शादी ही कर ली उससे। शादी नहीं की है मैंने उससे, निकाह किया। वो तुम्हारे नाम से जुड़ गई है जाफर, क्या जरूरत थी ये करने की? और ये सजा का कौन सा तरीका था? उसको उसकी मोहब्बत से अलग करने का यही तरीका था। बता चुका हूं आपको मैं। तो तुम भी याद रखना जाफर इलाही, कि वो शहीर का खून बहा है, बदला है उसकी जान का। जब तक वो जिंदा है, सांस ले रही है, तब तक जितना चाहे उसे बदला ले आप। मुझे माफ कर दें उसके बारे में सवाल कर करके। मेरे सर की नस फट जाएगी, मैं आराम करना चाह रहा हूं। प्लीज हया, मेरे पास तो तुम्हारा कोई फोन नंबर भी नहीं है कि तुम्हारा हाल ही पूछ लूं, तुम्हारी आवाज ही सुन लूं। काश हया तुमने इतना बड़ा फैसला ना किया होता, जाफर से निकाह ना किया होता। पूछो पूछो जरा अपनी लाडली से, अब इतनी बड़ी उम्र के आदमी से निकाह क्यों कर लिया इसने? उसके दौलतमंद छोटे भाई को ठुकराने का पछतावा था क्या? उसके छोटे भाई को ठुकराने की सजा मिल रही है मुझे। आहा, ये सजा चार दिन में जजाना ना बनी, तो मेरा नाम बदल के रख देना। बातें कर रही है इज्जत, सजा। मैंने तो इल्तिजा की थी उससे, क्या आजाद कर दे तुम्हें, माफ करने की तौफीक नहीं रखता तो मार के वहीं दफना देता तुम्हें। उसने आपकी सुन ली, उसने मेरे दिल को मार दिया, लेकिन मेरे वजूद को आजाद कर दिया। अब इस वजूद में सिर्फ सांसें बाकी हैं, उनको भी खत्म कर दे, आप खत्म कर दे। हयात, अब आपको मेरी कसम है, खत्म कर दे। जाफर इलाही ने जो अपने भाई के बदले में जान बख्शी उसको निकाल दे, खत्म कर दे। ऐसा नहीं कर सकती मेरी बहन। तो क्या मुझे तड़पता हुआ देखती रहेंगी, मेरे साथ रोएंगी, मेरे मरने की खबर सुनने की दुआ करती रहेंगी? बताएं मुझे। नहीं, नहीं, नहीं।
मैं जानती हूँ तुम वहां बहुत अजियत उठा रही होगी, तभी तो यहां मेरा दिल तड़प रहा है। हया, मुझे तुम्हारी अजियतों का हिस्सा मिल रहा है यहां। क्या हुआ, रोटी पसंद नहीं आई या रोटी पकाने वाली? खाना अच्छा बना लेती है। मैंने खानसामा की छुट्टी करवाकर इसे किचन में लगवा दिया। असूलन तो इसे भूखा ही रहना चाहिए आज। मालिक भूखे हैं तो फिर ये क्यों खाना खा? एक काम करो, इसी प्लेट में से खाना ले लो। और हाँ, अपने बर्तनों में शिफ्ट कर देना और खबरदार जो तुमने गर्म करने की कोशिश की। क्या हो गया, जान गले में फंस गई है, मरने लगी हो? अब क्या ठंडा पानी पियोगी? पहले ही ठंडा सालन शहर पे जम गया है, दम निकलना मुश्किल हो जाएगा। परवीन जी। बेगम साहब, ठंडा सालन फंस गया है, गरम पानी लाओ और इसका गला साफ करवाओ। गरम पानी लाना। अरे क्या हुआ? क्या होना है, ठंडा सालन फंस गया इसके गले। जल्दी लाओ। जल्दी पियो। पियो जल्दी, ताकि तुम्हारे अंदर की गंदगी भी धुल जाए। जाफर को तुमसे अपने भाई के खून की बू आती है। भाभी जान, दफा करें, छोड़े इसे, चले कमरे में चलते हैं। रहने दे इसे अपने आप, चले। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अम्मा या मैमूना उसे बदला लें या उसे जान से मार दें। मैं ये नहीं चाहता हूं कि उसकी निस्बत से मुझ पे कोई बात की जाए। मेरी नजरों के सामने आए, मेरे घर में रहे, जाए जहां से आई थी। तो फिर तलाक दो और रुखसत करो हमेशा के लिए। यार, अगर किसी तरह से भी तू मुझे हया के घर का नंबर अरेंज करके दे देना तो जिंदगी भर में तेरा एहसानमंद रहूंगा। हाँ हाँ, वही जाफर इलाही के घर का नंबर। क्यों, तेरे लिए तो मुश्किल नहीं होना चाहिए? तेरा वो कजिन पीटी सेल दफ्तर में जिस सीट पर बैठा है वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं।
क्या सोच रही हो सपूरा? जिस माँ का जवान बेटा मौत के मुंह से वापस आया वो भला क्या सोच सकती है? क्या किया जा सकता है सिवाय इस दुआ के अल्लाह उसे अपनी पनाह में रखे और आइंदा वो इस तरह की फजूल हरकत ना करे। जब तक वो हया को भूलेगा नहीं ना, अपनी जिंदगी की तरफ वापस नहीं लौटेगा, ना ही खुश रहेगा। मुझे तो डर है वही बेवकूफाना हरकतें दोबारा कर बैठेगा। मुझे डर है कि किस्मत इस तरह उस पर बार बार मेहरबान नहीं हो। कितना तो समझाया है उसे और उसकी समझ में बात नहीं आएगी। पता नहीं कौन सा मनोज जिंदा जब वो हया जिंदगी में आई थी। सलीम मैं सोचूं कि जान की शादी कर दे। कभी नहीं मानेगा वो। मैं मना लूंगी। वो लड़की है तुम्हारी नजर में? आप अपनी सदफे ना उससे करवा देते हैं, भले उस बेचारी के साथ जिंदगी में इतना बड़ा हादसा हो गया लेकिन वो बच्ची है बहुत अच्छी। और फिर उसके लिए हमने ही तो सोचना है ना। हाँ बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। सदफ मुझे भी बहुत पसंद है हमेशा से। बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत सुघड़ है, हमारी बहुत इज्जत करती है और बहुत प्यार करती है हम सबसे। जी मुझे तो शुरू से ही सदफ जान के लिए बहुत पसंद थी लेकिन जान ने हया को पसंद कर लिया, सदफ की शादी हो गई। लेकिन शायद कुदरत को यही मंजूर था। आप खुद सोचे ना, मुकद्दर लिखने वाला तो ऊपर बैठा है, शायद इन दोनों का जोड़ आसमानों पर लिखा हो, है ना? अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। आमीन आमीन। या अल्लाह, इस कलाम पाक का सवाब दुगना करके, इसे दुगना करके मेरे शहीर तक पहुंचा दे और उसे वहां बड़े प्यार से रखना मेरे रब। आमीन आमीन। सुमामी पप्पू अम्मा, वो जहां भी होगा बहुत सुकून में होगा। मेरे शहीद ने जीते जी कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। वो तो मोहब्बतें बांटने वाला था मेरा शहीद। पता नहीं कहां जी। कुछ लोग इस काबिल ही नहीं होते कि उनसे मोहब्बत कीजिए। मैमुना, इससे कह दो ये हमारे और जाफर के सामने ना आया करे और हमारे लिए कुछ खाने पीने को ना लाया करे। हया तुम छोड़ दो, मैं कर लेती। मैमुना इसे किचन से हटाकर कोई और काम दो। पप्पू अम्मा, मैं से पूछती हूँ कि ये क्या क्या काम जानती है। आप अपनी तबीयत खराब मत करें प्लीज। क्यों पूछें हम इससे? क्या हमने इसे मुलाजिम रखा है जो इसकी मर्जी के काम तय करते फिरे? इससे ये शहीद के कत्ल का बदला चुकाने आई है
इसका तो पसीना भी खून की तरह बहाएंगे और खून पानी की तरह। ठीक है, मैं इसे सख्त काम पे लगाती हूँ। मैमुना भाभी, आप प्लीज पुप्पी अम्मा को कमरे में लेके जाएं। उनकी दवाई का टाइम हो गया है, मैं कमरे में ही जूस ले आती। चलें हम। ओके। ये मरियम बीबी, बार बार किसी का फोन आ रहा था तो मैं चार्जिंग से उतार के ले आई। परवीन, इसे लेके जाओ, किसी काम पे लगा। जाफर भाई और फूफो जान के सामने नजर ना आई, ले जाओ इसे। जी अच्छा, चलो। जी, तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है ना, ये ठीक नहीं हो रहा है। आई एम टेलिंग यू। तुम समझ रहे हो किस अजियत से गुजर रहा हूं मैं। मैंने ये निकाह उससे इसलिए किया था ताकि ना वो कभी उस लड़के से मिल पाए, ना शादी कर पाए, ना कुछ और। पर मेरे गले का कांटा बन गई। तो उसे घर भेज दो। अम्मा जान उससे बदला लेना चाहती है, मैमुना भी उससे बदला लेने पे तुल गई है। मैं क्या करूं अब? तुम्हें तकलीफ किस बात से? उसके सामने आ जाने पर या मैमुना के बदला लेने पर? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अम्मा या मैमुना उसे बदला लें या उसे जान से मार दें। मैं ये नहीं चाहता हूं कि उसकी निस्बत से मुझ पे कोई बात की जाए। मेरी नजरों के सामने आए, मेरे घर में रहे, जाए जहां से आए थे। तो फिर तलाक दो और रुख्सत करो हमेशा के लिए। मसूद, इट्स नॉट दैट सिंपल। तो फिर तुम कहीं चले जाओ। कहां चला जाऊं? पहले भी तो जा रहे थे भाभी के साथ घूमने। हाँ, लेकिन अब मैमुना नहीं जाएगी मेरे साथ। खुद को निकालो इन झमेलों से, अपना फोकस काम और सियासत की तरफ करो। तुम्हारा माइंड खासा डाइवर्ट हो चुका है जाफर। ये घर के मामलात अम्मा जान और भाभी को हैंडल करना। तो तुम जानते हो कि इलेक्शन करीब है, दूर नहीं है। तुम एक काम करो, तुम सीएम के साथ टर्की के दौरे पर जाओ। तुम्हें इन मामला से फरार भी मिलेगी और काम भी हो जाएगा। चलो यहां आओ, ये झाड़ू पकड़ो और इस झाड़ू की मदद से सारी गंदगी जो पड़ी हुई है ना, इसकी सफाई करो। ये सारे पत्ते जो पड़े हैं ये भी उठाने, और उसके बाद ये कैंची लेके क्यारी के सारे सूखे पौधे काटना। और याद रखना, ये सब काम करने के बाद तुम्हें पौधों को पानी भी देना है। मेरे दिल दे दर्द दुहाई दे, तेनूं काश मैं सुनाई दे, इक वारी तू मेरे घोल आ जा, जहां पा दे आके बिस। यार, अगर किसी तरह से भी तू मुझे हया के घर का नंबर अरेंज करके दे देना तो जिंदगी भर मैं तेरा एहसानमंद रहूंगा। हाँ हाँ, वही जाफर इलाही के घर का नंबर। क्यों, तेरे लिए तो मुश्किल नहीं होना चाहिए। तेरा वो कजिन पीटीसी दफ्तर में जिस सीट पर बैठा है वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। हाँ, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में तेरे पास, बैठ कर आराम से बात करते हैं। ओके, बाय। कसम से मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था ये कहने के लिए कि मुझे अगर एक गरम गरम चाय मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। वैसे तुम मेरे दिल की हर बात जान कैसे लेती हो, जैसे हया जान लेती है? तो आप वाकई सीरियस हैं? किस बात पर? हया से दोबारा रابطہ करके उसकी जिंदगी खराब करने के लिए? हो सकता है वो मुंतजर हो।
कि मैं उससे रابता करूं, मुझे याद करिए। कल रात मैंने उसे अपने ख्वाब में देखा था रोते हुए। मुझ पर फर्ज है कि मैं उसकी खबर लूं। तुम इस बात का जिक्र किसी से मत करना। हम अच्छे दोस्त हैं ना। फिलहाल तो आपकी राजदार हूं, अभी तो दोस्ती की इब्तिदा हो रही है, लेकिन अगर आपने मुझसे कुछ भी छुपाया तो ये दोस्ती इब्तिदा पर ही खत्म। मैं वादा करता हूँ तुमसे, हर बात तुमसे शेयर करूंगा, और तुम भी मेरा साथ दोगी, दोगी ना? अगर हया वाकई अपनी मर्जी से आपके साथ लौटेगी तो मैं वादा करती हूँ कि आपका साथ दूंगी, लेकिन अगर आपने उसे जबरदस्ती मजबूर किया तो हरगिज़ नहीं, फिर आपको उसे भुलाना होगा। चलता हूँ। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मलिक, मैं परवीन को देखता हूँ। तुम्हारे करने के काम नहीं है, तुम्हें अगर इतना ही शौक हो रहा है काम करने का तो अंदर जाओ और जाके काम करो। मुझे यही काम करने का हुक्म मिला है। और किसने दिया ये हुक्म तुम्हें? जो गुलामों के गुलाम हो उन पर सबका हुक्म चलता है। तुमने खुद ये गुलामी कबूल की है इस घर में आके। बाहर कौन सा आजाद थी, आपके नाम का तौक मेरे गले में लटक रहा था। मैं तो यहाँ आपका भरम रखने के लिए आई थी। अंदर चलो आया, छोड़ो ये सब। ये लो यार, मेरे कजन ने नंबर सेंड कर दिया है और मैं अभी तुझे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। हाँ करो। कर दिया। आ गया। एक मिनट, दिखा तुझे, कोई और मैसेज ने सेंड कर दिया। दिखा? हाँ नहीं नहीं वही है। थैंक्स। कमाल करते हो यार, हया के बाद तुम्हें किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं रहा। अरे अपने बचपन के दोस्त के ऊपर शक कर रहे हो? नहीं यार ऐसी बात नहीं है। बात तो ऐसे ही है। ये बताओ अब आगे क्या करोगे? नंबर लिया है, जाहिर है कॉन्टेक्ट करूंगा। अच्छा, जैसे वो तुम्हारा फोन उठा लेंगे हैं, या फिर कोई बहुत ही आसानी से तुम्हारी उससे बात करवा देगा। ऐसे मुखलिस दोस्त हो ना तो रास्ते बड़े आसान हो जाते हैं। यार दुआ करना मेरे लिए, वैसे ही एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा तेरा। थैंक यू। क्या बताऊं मैं आपको, बड़े साहब कितने गुस्से में थे, बस जैसे ही बड़े साहब घर में घुसे ना उस मनहूस लड़की की शक्ल नजर आ गई उन्हें। फिर क्या था, उनका मूड इतना खराब हुआ कि बली को ही डांट दिया। क्यों, बली को क्यों? आपको तो पता है ना, बली हर वक्त उनके साथ रहता है, और जहाँ बड़े साहब को गुस्सा आता है ना वो अपना सारा गुस्सा बली पर उतार देते हैं। फिर क्या था,
वली बेचारा भागता हुआ मेरी तरफ आया और अपना सारा गुस्सा मुझ पे उतार दिया। कहने लगा, उस मनहूस लड़की की तुम्ही ने लॉन में ड्यूटी लगाई है ना, अब चलो तुम्हें बड़े साहब बुला रहे हैं। फिर जब तुम गई तो क्या कहा जाफर ने? उन दोनों के दरमियान क्या बात हो रही थी ये तो मैं नहीं सुन सकी, लेकिन हाँ वो बड़े साहब से कह कुछ जरूर रही थी। फिर बड़े साहब ने मुझे हुक्म दिया कि इस लड़की को यहाँ से लेकर चले जाओ। और बार बार क्यों मुझे उस मनहूस लड़की की शक्ल नजर आती है? मतलब जाफर वाकई उससे नफरत करता है? तो कहती हूँ जाफर को उस पर इतना गुस्सा है कि वो खुद ही उसे थक्के देकर इस घर से निकालते। एक बात कहूँ, मेरी माने ना तो जितनी बड़े साहब उस लड़की से नफरत करते हैं ना, उतना उस लड़की को उनके सामने रखे। बिल्कुल फजूल मशवरा है, इससे क्या होगा? आपको नहीं पता रेशम बीबी, ये जो इंतकाम की भट्टी होती है ना, इसमें नफरत की आग को बार बार जलाना पड़ता है, वरना जरा सी नफरत मदहम हुई और हमदर्दी ने सर उठा लिया। अरे बस कर दो परवीन, तुम भी लगाई बुझाई में ना अपने जज्बात ठंडे नहीं होने देती। जिसके पीछे पड़ जाओ उसको बुराई के अंजाम तक पहुंचा कर ही रहती हो तुम। मैं देख रही हूँ रेशम, तुम्हारी नफरत के जज्बात ठंडे होकर हमदर्दी की शक्ल अख्तियार कर रहे। अरे ऐसी बात नहीं है ममूना भाभी, फिलहाल आप एक काम, आप जूस बनाकर जाफर भाई के पास लेके जाए, उनका गुस्सा ठंडा कर, और मैं भी जाके उस लड़की को देखकर आती हूँ। रात को तो उसने अपना गला खराब किया हुआ था और अब हाथों में छाले निकाल कर बैठ गई है। हाँ तुम जाओ। ये क्या बात हुई जाफर, अभी कुछ दिन पहले तो तुम मुझे घुमाने के लिए लेकर जा रहे थे और अब अकेले शहर का प्रोग्राम बना लिया, वो भी तुर्की का। पता है मुझे तुर्की देखने का कितना शौक है, मैं तो कहती हूँ मेरी टिकट भी कंफर्म करवाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। सैर करने नहीं जा रहा हूँ, काम से जा, सीएम साहब को ऑफिशियल विजिट है और मैं उनके साथ होता हूँ। अच्छे सियासतदान हो तुम, घर की रियासत संभाली नहीं जाती और मुल्क की बागडोर संभालने के ख्वाब देख। अगर ये आपका किला है तो बिल्कुल बजा है, और अगर आपने तंज किया है तो ये आदत है आपकी। खैर दोनों सूरतों में कुछ भी बुरा नहीं लगा मुझे, फ्लाइट मेरी कल की कन्फर्म है, मैं जरा अम्मा से मिलूं। तौबा है जाफर, मुझसे तो तुम दो घड़ी भी बैठकर बात नहीं कर सकते, जब देखो कोई ना कोई बहाना बनाकर चले जाते। क्या हो जाता अगर हम कुछ दिनों के लिए एक साथ कहीं चले जाते? क्या मुझे नहीं पता, हर सियासतदान की बेगम हर जगह उनके साथ गई होती। मेरे नसीब बुरे हैं जो एक बार भी तुम्हारे साथ कहीं गई हूँ, तुम तो मुझे कुछ समझते ही नहीं। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, रही बात बेगम साहिबा की तो बेगम साहिबा बनकर हर वक्त हुक्म चलाती रहती हैं। साथ लेके जाऊंगा, कसम खाओ। कसम खाने की जरूरत नहीं है, बस इस बात पे यकीन करें कि आपकी बहुत हैसियत है मेरी नजर। आता मैं मोहब्बत चाहती हूं तो जाफर तुम मेरी इज्जत करने लगते हो, कुर्बत चाहते हो तो हैसियत बीच में लाकर फासला बढ़ा देते हो। आखिर तुम कब समझोगे कि मैं क्या चाहती हूँ और तुम्हारा क्या फर्ज है?